Hello everyone, good morning, this is Anil K. Sharma and welcome to my channel Oracle Tech India. और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ DBMS. तो स्ट्रक्चर ऑफ DBMS में ये मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, तो आइए देखते हैं कि DBMS में कौन कौन से स्ट्रक्चर है. कॉम्पोनेंट्स ऑफ DBMS. तो सबसे पहले देखते हैं कि DBMS के कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं. तो DBMS का मतलब है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो DBMS क्या है? डेटाबेस के मॉड्यूल में, डेटाबेस के सब्जेक्ट में DBMS जो है एक सॉफ्टवेयर का नाम है जिसका यूज करते हैं टू मैनेज द डेटा इन डेटाबेस सिस्टम. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स को देखेंगे. तो जिसमें पहला कंपोनेंट्स है क्वेरी प्रोसेसर. तो आइए समझते हैं कि क्वेरी प्रोसेसर क्या है. तो क्वेरी प्रोसेसर जो है इट एक्सेप्ट्स एसक्यूएल सिंटैक्स. तो जब कोई यूजर कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट करता है अपने एंड से एसक्यूएल का कमांड लिखता है तो उसको एसक्यूएल सिंटैक्स बोलते हैं. तो क्वेरी प्रोसेसर क्या करता है? उस एसक्यूएल सिंटैक्स को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद सेलेक्ट ए प्लान फॉर एग्जीक्यूटिंग द सिंटैक्स. उसके बाद उस सिंटैक्स को एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्लान तैयार करता है कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है एंड देन एग्जीक्यूट द चोजन प्लान. और सिंटैक्स को एक्सेप्ट करने के बाद सिंटैक्स को एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्लान बनाता है और प्लान बनाने के बाद उस चोजन प्लान को फिर एग्जीक्यूट कर देता है. तो इट डिटरमिन्स हाउ द रिजल्ट ऑफ क्वेरी इज ऑब्टेंड. तो क्वेरी प्रोसेसर जो है ये भी डिटरमिन करता है, ये भी निश्चित करता है कि क्वेरी की जो रिजल्ट है वो कैसे प्राप्त होगी. इट यूजेस डेटा डिक्शनरी टू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ द रेलिवेंट पोर्शन ऑफ द डेटाबेस. तो डेटा डिक्शनरी में क्या होता है? डेटा डिक्शनरी में जो भी हम एसक्यूएल कमांड पे जो भी टेबल्स क्रिएट करते हैं हम, तो टेबल्स का जो भी नाम देते हैं, टेबल्स के अंदर जो भी कॉलम्स के नेम होते हैं, टेबल्स पे जो भी कॉन्स्टेंट्स अप्लाई करते हैं, टेबल्स का किसी दूसरे टेबल्स के साथ प्राइमरी और फॉरेन की के थ्रू ऐड करते हैं, मतलब ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन जो है वो डेटा डिक्शनरी में होता है. तो क्वेरी प्रोसेसर क्या करता है? जब क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है तो डेटा डिक्शनरी को भी यूज करता है ताकि जो है उस क्वेरी के रिगार्डिंग जो भी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को वो एक्सेस कर सके और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सके इन मॉडिफाइंग द क्वेरी, क्वेरी को मॉडिफाई करने के लिए और एक ऑप्टिमल प्लान, एक सही प्लान तैयार करने के लिए ताकि डेटाबेस को एक्सेस किया जा सके. तो कुल मिला जुला करके क्वेरी प्रोसेसर का काम क्या होता है कि यूज़र जब अपने एसक्यूएल कमांड प्रॉम्प्ट से जब कोई क्वेरी फायर करता है तो उस क्वेरी का जो सिंटैक्स होता है, मतलब पूरा का पूरा वो क्वेरी जो है वो क्वेरी प्रोसेसर उसको एक्सेप्ट करता है. एक्सेप्ट करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्लान तैयार करता है. प्लान तैयार करने के बाद फिर उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है और एग्जीक्यूट करके फिर रिजल्ट को प्राप्त करता है. और एसक्यूएल सिंटैक्स के रिगार्डिंग कुछ भी उसको इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए वो डेटा डिक्शनरी को भी यूज करता है जिसमें टेबल्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई होती है. अब देखते हैं कि क्वेरी प्रोसेसर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. तो पहला कंपोनेंट्स जो होता है उसको बोलते हैं DML कंपाइलर. तो DML कंपाइलर क्या करता है? इट प्रोसेसेस द DML स्टेटमेंट इनटू रीडेबल मशीन लैंग्वेज सो दैट दे कैन बी एग्जीक्यूटेड. तो DML प्रोसेसर क्या करता है? ये DML स्टेटमेंट को प्रोसेस करता है. DML स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं? इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कमांड्स.
तो आगे के वीडियो लेक्चर में हम पूरा डीएमएल और डीडीएल के बारे में समझेंगे। तो डीएमएल कंपाइलर क्या करता है, जब कोई यूजर इंसर्ट अपडेट डिलीट वगैरह कुछ भी फायर करता है क्वेरी में, तो ये क्या करता है, उस इंसर्ट अपडेट डिलीट यानी कि डीएमएल स्टेटमेंट्स को जो है रीडेबल मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, प्रोसेस करता है, ताकि वो डीएमएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये काम होता है डीएमएल कंपाइलर का। उसके बाद एम्बेडेड डीएमएल प्री कंपाइलर का क्या काम होता है, इट कन्वर्ट्स डीएमएल स्टेटमेंट्स एम्बेडेड इन एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो कोई भी एप्लीकेशन में डेटाबेस की एप्लीकेशन में अगर डीएमएल स्टेटमेंट्स इंसर्ट अपडेट डिलीट वगैरह का कमांड उसमें डाला गया है, तो एम्बेडेड डीएमएल प्री कंपाइलर क्या करता है, उसको नॉर्मल प्रोसीजर कॉल्स में कन्वर्ट कर देता है होस्ट लैंग्वेज में। और उसके बाद प्री कंपाइलर क्या करता है, डीएमएल कंपाइलर से एम्बेडेड डीएमएल प्री कंपाइलर क्या करता है, डीएमएल कंपाइलर से इंटरेक्ट करता है ताकि अप्रोप्रिएट कोड जनरेट हो सके, यानी कि मशीन रीडेबल लैंग्वेज में कोड कन्वर्ट हो सके और फिर वो एग्जीक्यूट हो सके। नेक्स्ट जो कंपाइलर है, क्वेरी प्रोसेसर का नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो है डीडीएल इंटरप्रेटर। तो डीडीएल इंटरप्रेटर क्या करता है, इट प्रोसेसेस द डीडीएल स्टेटमेंट। तो डीडीएल स्टेटमेंट का मतलब है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें आपका जो है ऑल्टर कमांड आता है, ड्रॉप कमांड आता है, तो इसको भी आगे के वीडियोस में, इसके दूसरे वीडियो लेक्चर में डीएमएल और डीडीएल और डीसीएल इन तीनों लैंग्वेज को बहुत अच्छे से देखेंगे। तो डीडीएल का मतलब है कि टेबल्स को क्रिएट करना, टेबल्स को ऑल्टर करना, टेबल्स को ड्रॉप करना, ये डीडीएल के स्टेटमेंट्स होते हैं। तो डीडीएल इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है, डीडीएल स्टेटमेंट्स को यानी कि ऑल्टर क्रिएट ऑल्टर और ड्रॉप कमांड को क्या करता है, इस सेट ऑफ टेबल क्या करता है, इनटू ए सेट ऑफ टेबल कंटेनिंग मेटा डेटा। तो डेटा डिक्शनरी में या मेटा डेटा में या फिर डेटा अबाउट डेटा, जिसमें टेबल्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है कि टेबल का नाम क्या है, टेबल के कौन कौन से कॉलम्स है, कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, नल कॉन्स्टेंट, कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स वगैरह अप्लाई किए गए हैं। तो डीडीएल इंटरप्रेटर क्या करता है, उस डेटा डेटा डिक्शनरी वाले टेबल्स को रीड करके उसमें टेबल के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके डीडीएल स्टेटमेंट यानी कि क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल और ड्रॉप टेबल के स्टेटमेंट को ये प्रोसेस करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द मेटा डेटा इंफॉर्मेशन लाइक टेबल नेम। तो डीडीएल इंटरप्रेटर क्या करेगा कि डीडीएल स्टेटमेंट में अगर क्रिएट टेबल है तो टेबल का नाम डेटा डिक्शनरी से चूज करेगा, उसके बाद स्पेस यूज्ड बाय इट उसको भी ये लेगा, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स इन इट, उसके बाद जब टेबल को क्रिएट करेगा तो कितने कॉलम्स देने हैं, तो वो कॉलम्स के नेम जो है डेटा डिक्शनरी में डीडीएल इंटरप्रेटर फाइंड आउट करता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन की मैपिंग करेगा कि अगर टेबल को क्रिएट कर रहे हैं तो क्रिएट करने के लिए टेबल चाहिए, टेबल का नाम चाहिए, टेबल के कॉलम्स चाहिए, कॉन्स्टेंट्स वगैरह चाहिए, तो इन सब की मैपिंग करके पूरा का पूरा एक टेबल क्रिएट कर देता है, या फिर उसको ऑल्टर करना है तो ऑल्टर करता है, या फिर उस टेबल को बिल्कुल ही डिलीट करना है, ड्रॉप करना है तो उसे ड्रॉप भी करता है। तो डीडीएल इंटरप्रेटर क्या करता है, डीडीएल के स्टेटमेंट को क्या करता है, ये प्रोसेस करता है और डेटा डिक्शनरी को रीड करता है। डेटा डिक्शनरी में टेबल के जो भी डिस्क्रिप्शन दिए हुए होते हैं उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से देखता है कि डीडीएल स्टेटमेंट में अगर क्रिएट टेबल की कमांड डाली गई है तो उसी के हिसाब से टेबल को क्रिएट करता है, अगर ऑल्टर टेबल, टेबल में कुछ चेंजेस वगैरह की गई है तो ऑल्टर टेबल जो है उस कमांड को जो है ये डेटा डिक्शनरी में देख करके उस कमांड को एग्जीक्यूट करता है। तो इस तरीके से डीडीएल इंटरप्रेटर का काम है डीडीएल स्टेटमेंट को
प्रोसेस करना डेटा डिक्शनरी के टेबल को देख करके। और क्वेरी प्रोसेसर का जो नेक्स्ट कंपोनेंट है क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन, ये क्या करता है, इट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस जनरेटेड बाय डीएमएल कंपाइलर। तो ऊपर के डीएमएल कंपाइलर ने जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी रिजल्ट जनरेट किए हैं, क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट कर देता है। DBMS का जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास वो है डेटाबेस कंट्रोल सिस्टम, जिसको स्टोरेज मैनेजर भी बोलते हैं। तो आइए समझते हैं कि स्टोरेज मैनेजर का क्या यूज़ है। तो स्टोरेज मैनेजर जो है इट इज़ ए प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है दैट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस। ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है किसके बीच में, बिटवीन द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस, डेटा जो डेटाबेस में पड़ा हुआ है उसके बीच में, एंड द क्वेरी रिसीव्ड, और क्वेरी जो रिसीव की गई है। तो एक यूज़र ने कोई क्वेरी सबमिट की है, कोई क्वेरी एग्जीक्यूट की है, तो उस क्वेरी में जो सिंटेक्स लिखे हुए हैं, तो कौन से इंफॉर्मेशन की मांग की गई है उस क्वेरी में, तो उस क्वेरी को क्वेरी और डेटाबेस सिस्टम के बीच में जो है इंटरफेस जो होना है वो इंटरफेस स्टोरेज मैनेजर करता है। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेटाबेस कंट्रोल सिस्टम। तो स्टोरेज मैनेजर को डेटाबेस कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं, और इट मेंटेन्स द कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटाबेस। तो डेटाबेस कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, डेटाबेस की कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखता है, डेटाबेस की इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करके रखता है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि डेटाबेस जिस फॉर्म में डेटाबेस सिस्टम में पड़ा हुआ है, यूज़र जब कोई भी डेटाबेस या कोई भी इंफॉर्मेशन को फेच करे तो उसको उसी फॉर्म में इंफॉर्मेशन दिखना चाहिए जिस फॉर्म में डेटाबेस सिस्टम में पड़ा हुआ है। तो इसको कहते हैं कि डेटाबेस की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना। और दूसरी बात है डेटाबेस की इंटीग्रिटी का मतलब कि डेटाबेस पे जो है टेबल्स वगैरह के फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन रखी जाती है डेटाबेस सिस्टम में, तो उस टेबल्स के ऊपर जो भी इंटीग्रिटी या कॉन्स्टेंट्स अप्लाई किए हुए हैं, मान लीजिए नोटनल कॉन्स्टेंट अप्लाई कर रखा है, यूनिक की कॉन्स्टेंट अप्लाई कर रखा है, तो इस कॉन्स्टेंट्स को जो अप्लाई किया हुआ है डेटाबेस कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, ऐसे कॉन्स्टेंट जो ऑलरेडी अप्लाई किए हुए हैं उन कॉन्स्टेंट्स को भी अप्लाई करके डेटाबेस की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। साथ ही साथ ये DCL स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट करता है। तो DCL का मतलब है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जो है, इसके बाद के वीडियो लेक्चर में हम पूरे डिटेल्स में जानेंगे कि DCL स्टेटमेंट क्या है। तो बेसिकली नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो है DML स्टेटमेंट, DDL स्टेटमेंट और DCL स्टेटमेंट को ही पूरा फोकस करेंगे। तो DCL स्टेटमेंट को क्या करता है, डेटाबेस कंट्रोल सिस्टम एग्जीक्यूट करता है, तो जिसमें बेसिकली आपका रोल बैक और कमिट जैसे कमांड आते हैं। उसके बाद जो है स्टोरेज मैनेजर का और काम क्या है कि ये डेटा को अपडेट कराने का, डेटाबेस में डेटा को अपडेट कराने का काम करता है, डेटाबेस में डेटा को स्टोर कराने का काम करता है, डेटा को डिलीट कराने का काम करता है, और अगर किसी डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करना है तो रिट्रीव करवाने में भी ये हेल्प करता है, क्योंकि डेटाबेस कंट्रोल सिस्टम के साथ और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स जुड़े हुए होते हैं, वो सारे कंपोनेंट्स एक एक करके जो है वर्क करते हैं। इट कंटेन्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो डेटाबेस कंट्रोल सिस्टम के भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो एक एक करके समझते हैं कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और इन कंपोनेंट्स के क्या काम है। तो पहला जो कंपोनेंट्स है वो है ऑथोराइज्ड कंट्रोल का कंपोनेंट। तो ये क्या करता है, ये चेक करता है, इट चेक्स वेदर द पर्टिकुलर पर्सन इज प्रिविलेज्ड टू परफॉर्म द रिक्वेस्टेड ऑपरेशन और नॉट। तो जो भी क्वेरी डेटाबेस कंट्रोल सिस्टम की तरफ आती है तो उस क्वेरी को जिस भी यूज़र ने एग्जीक्यूट किया है, रन किया है, तो उस क्वेरी को या उस ऑपरेशन को जो है
परफॉर्म करने के लिए उस यूज़र के पास राइट्स है या नहीं है वो भी ऑथोराइज्ड कंट्रोल सिस्टम जो है चेक करता है। अगर वो ऑथोराइज्ड यूज़र है, प्रिविलेज्ड यूज़र है, मतलब उसके पास राइट है, तो ही उसकी क्वेरी को एक्सेप्ट करेगा। और उसके बाद क्वेरी में जो भी इंफॉर्मेशन फेच करने के लिए सिंटेक्स लिखे गए हैं उसको डेटाबेस सिस्टम के साथ जो है मैच करके फिर इंटरफेस कराएगा। और अगर ऑथोराइज्ड यूज़र नहीं है तो उस यूज़र की क्वेरी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऑथोराइज्ड कंट्रोल का ये काम होता है। नेक्स्ट जो है कंपोनेंट वो है कमांड प्रोसेसर। तो कमांड प्रोसेसर का क्या काम है, इट प्रोसेस द क्वेरीज पास्ड बाय ऑथोराइजेशन कंट्रोल। तो ऑथोराइज्ड कंट्रोल ने अगर चेक कर लिया कि ये वैलिड यूज़र है, ऑथोराइज्ड यूज़र है, तो उसकी क्वेरी को एक्सेप्ट करेगा। और उसके बाद ऑथोराइज्ड कंट्रोल सिस्टम जो है वो क्वेरी को पास कर देगा कमांड प्रोसेसर के पास, और फिर कमांड प्रोसेसर क्या करेगा, उस क्वेरी को आगे प्रोसेस करेगा। नेक्स्ट जो है इंटीग्रिटी चेकर। तो इंटीग्रिटी चेकर क्या करता है, इट चेक्स द इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स व्हेन द डेटाबेस इज मॉडिफाइड। अगर कोई भी यूज़र अपने एंड से SQL स्टेटमेंट के थ्रू किसी भी डेटाबेस के टेबल को अगर वो मॉडिफाई करता है, चेंज करता है, तो उस पर लगाए गए जो कॉन्स्टेंट्स है, लेट सपोज प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, और जो है नोट नल कॉन्स्टेंट, चेक कॉन्स्टेंट, इस तरीके के कॉन्स्टेंट्स जो टेबल पे लगाए गए हैं, तो उस कॉन्स्टेंट्स को भी ये जो है इंटीग्रिटी चेकर जो है चेक करता है कि कहीं यूज़र जो है उसको वायोलेट तो नहीं कर रहा है। तो इट चेक्स द इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स व्हेन द डेटाबेस इज मॉडिफाइड। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है डेटाबेस कंट्रोल सिस्टम का वो है क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। तो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है, इट डिटरमिन्स एन ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर द क्वेरी एग्जीक्यूशन। तो कोई भी क्वेरी जब रिसीव होती है तो उस क्वेरी को प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट करने के लिए एक ऑप्टिमल एग्जीक्यूशन प्लान तैयार किया जाता है, उसी को ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर क्वेरी एग्जीक्यूशन बोलते हैं। तो वो तैयार करता है क्वेरी ऑप्टिमाइजर। तो क्वेरी ऑप्टिमाइजर जो है क्वेरी को रन करने के लिए क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान तैयार करता है कि किस तरीके से क्वेरी एग्जीक्यूट होगी ताकि तुरंत इंफॉर्मेशन फेच हो सके। नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो है ट्रांजैक्शन मैनेजर। तो ट्रांजैक्शन मैनेजर क्या करता है, इट कंट्रोल्स कंकरेंट एक्सेस बाय परफॉर्मिंग द ऑपरेशंस इन ए शेड्यूल्ड वे दैट इट रिसीव्स द ट्रांजैक्शन। तो लेट सपोज एक ही टाइम पर दो तीन ट्रांजैक्शन कमिट हो गए, बहुत सारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है, अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग यूज़र ने एक साथ ही क्वेरी वगैरह एग्जीक्यूट कर दी है इंफॉर्मेशन को फेच करने के लिए। तो ये वेरियस ट्रांजैक्शन को जब ये रिसीव करता है तो कौन सा ट्रांजैक्शन पहले रन होगा, कौन सा ट्रांजैक्शन बाद में रन होगा, तो इन सब की शेड्यूलिंग वगैरह करने का काम भी जो है वो ट्रांजैक्शन मैनेजर का होता है। दस इट एंश्योर्स दैट डेटाबेस रिमेंस इन कंसिस्टेंट स्टेट बिफोर एंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन। इससे क्या होता है कि ट्रांजैक्शन के एग्जीक्यूट होने से पहले और ट्रांजैक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद जो है डेटाबेस सिस्टम बिल्कुल कंसिस्टेंट स्टेट में रहता है, ये एंश्योर करता है ट्रांजैक्शन मैनेजर। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है फाइल मैनेजर। तो फाइल मैनेजर क्या करता है, इट मैनेजेस द फाइल स्पेस एंड द डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस। तो ये तो आपको पढ़ने से ही समझ में आ गया होगा कि फाइल मैनेजर का काम क्या होता है, फाइल के स्पेस को मेंटेन करके रखना, डेटा स्ट्रक्चर जो इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सारे डेटा स्ट्रक्चर को, डेटाबेस में फाइल स्पेस को, ये सारा मैनेज करना फाइल मैनेजर का काम होता है।
नेक्स्ट है बफर मैनेजर। तो बफर मैनेजर क्या करता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैशे मेमोरी एंड ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन सेकेंडरी स्टोरेज एंड मेन मेमोरी। तो सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक बफर मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है, एक कैशे मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। मेन मेमोरी और स्टोरेज डेटा बेस के बीच में कम्युनिकेशन वगैरह करने के लिए एक कैशे मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इन सब काम के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो बफर मैनेजर होता है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट्स है वो है डिस्क स्टोरेज। तो डिस्क स्टोरेज के भी बहुत सारे कंपोनेंट्स है, जैसे कि डेटा फाइल्स। तो डिस्क स्टोरेज में डेटा फाइल्स का काम क्या होता है, ये डेटा को स्टोर करता है। डेटा डिक्शनरी, तो डेटा डिक्शनरी का काम क्या होता है, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एनी डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो डेटाबेस सिस्टम में सारे इंफॉर्मेशन जो वो टेबल्स के फॉर्म में पड़ी हुई होती है, तो टेबल्स के क्या क्या नाम है, उनमें कौन कौन से कॉलम्स है, कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स है, कौन सी प्राइमरी फॉरेन की के साथ टेबल्स जुड़ी हुई है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है डेटा डिक्शनरी में स्टोर होता है। तो इट इज़ द रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट गवर्न्स द मेटा डेटा। तो ये रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन है, मतलब टेबल्स के रिगार्डिंग, डेटाबेस के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन डेटा डिक्शनरी में ही पड़ी हुई होती है। नेक्स्ट है इंडाइसेस। डिस्क स्टोरेज का नेक्स्ट कंपोनेंट है इंडाइसेस। तो इंडाइसेस का काम क्या होता है, इट प्रोवाइड्स फास्टर रिट्रीवल ऑफ डेटा आइटम। तो जो है इंडेक्सेस वगैरह जो है बने हुए होते हैं, तो वो सारे इंडेक्सेस भी डेटा स्टोरेज में ही इसी के कंपोनेंट्स होते हैं। और इंडेक्सेस से क्या होता है कि किसी भी एट्रीब्यूट्स के इंफॉर्मेशन को, किसी भी डेटा आइटम के इंफॉर्मेशन को, किसी भी कॉलम के इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं। तो इंडाइसेस से या इंडेक्सेस से क्या होता है कि डेटा का रिट्रीवल फास्टर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डीएमएल प्रोसेसर। तो डीएमएल प्रोसेसर का क्या काम है, तो DML commands such as insert, update, delete from the application program are sent to the DML compiler from compilation into object code for database access. तो DML commands कौन कौन से होते हैं, insert, update और delete, ये क्या है DML commands है। तो एक table के अंदर कोई record insert करना है तो उसके लिए जो है इंसर्ट कमांड यूज़ करते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन को या रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो उसके लिए अपडेट कमांड है। किसी भी रिकॉर्ड को टेबल से डिलीट करना है तो उसके लिए डिलीट कमांड है। तो जब यूज़र डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम से या सिंपली SQL क्वेरी प्रॉम्प्ट से इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कमांड को एग्जीक्यूट करता है, तो उस कमांड का एग्जीक्यूशन DML कंपाइलर के पास जाता है और DML कंपाइलर वेरीफाई करता है कि इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कमांड जो चलाई गई है क्या वो वैलिड सिंटेक्स है, वैलिड कमांड एग्जीक्यूट की गई है या नहीं की गई है। अगर वैलिड कमांड यानी कि वैलिड कमांड एग्जीक्यूट की गई है तो फिर क्या करता है DML कंपाइलर, इंसर्ट, अपडेट या डिलीट जो भी जो है कमांड एग्जीक्यूट की गई है यूज़र के द्वारा, उसका एक ऑब्जेक्ट कोड तैयार कर देता है ताकि आगे के फेज में डेटाबेस को एक्सेस किया जा सके। फिर ऑब्जेक्ट कोड को जो है क्वेरी ऑप्टिमाइज़र ले करके एक क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए एक एग्जीक्यूशन प्लान तैयार करता है, और एग्जीक्यूशन जो है प्लान तैयार करके उस ऑब्जेक्ट कोड को बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड वे में, बहुत ही मतलब एक बेस्ट वे में ऑप्टिमाइज्ड करके और उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है क्वेरी ऑप्टिमाइजर के पास। कुल मिला जुला करके यहाँ पर क्वेरी ऑप्टिमाइजर क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड को लेकर के एक जो है क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान तैयार करता है और प्लान तैयार करके क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है उस ऑब्जेक्ट कोड को लेकर के, और लास्ट में
फाइनली वो कंट्रोलर भेज देता है डेटा मैनेजर के पास, और डेटा मैनेजर क्या करता है, जो भी रिजल्ट आता है उसके पास, उसी के हिसाब से डेटाबेस सिस्टम से डेटा को, इन्फॉर्मेशन को निकाल करके जो है इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो ये काम है डीएमएल प्रोसेसर का। अब देखते हैं कि डीडीएल प्रोसेसर का क्या काम है। तो डीडीएल का मतलब है डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज या फिर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कंपाइलर। तो डीडीएल प्रोसेसर में क्या होता है, डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज कंपाइलर होता है, और वो स्कीमा डेफिनेशन जो डीडीएल स्टेटमेंट में स्पेसिफाइड की गई है उसको प्रोसेस करता है। डीडीएल स्टेटमेंट का मतलब, लेट सपोज एक टेबल को क्रिएट करना है, तो टेबल को क्रिएट करते समय टेबल का नाम क्या दिया गया है, टेबल में कौन कौन से कॉलम्स हैं, तो टेबल के नाम और कॉलम्स को पढ़ करके जो है उस स्कीमा डेफिनेशन को आगे प्रोसेस करता है। स्कीमा डेफिनेशन का मतलब उस टेबल के डिज़ाइन को, जिसमें टेबल का नाम और टेबल के कौन कौन से कॉलम्स है उसको रीड करके डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करने के बाद क्या करता है कि डीडीएल में जो भी टेबल का नाम दिया हुआ है, जो भी कॉलम्स के नाम दिए हुए हैं, वो टेबल्स के नाम को, उस कॉलम्स के नाम को जो है मेटा डेटा से, डेटा डिक्शनरी से, डेटा डिक्शनरी से क्या करता है, उठा करके उसको डीबीएमएस सिस्टम कैटलॉग में ले जा करके स्टोर कर देता है, ताकि अच्छे से क्लियर हो सके कि जो भी स्कीमा कंस्ट्रक्ट करना है, जो भी टेबल्स क्रिएट होनी है, उस टेबल्स का जो भी डिस्क्रिप्शन है, लेट सपोज टेबल का नाम, टेबल के कॉलम्स वगैरह, वो सारा अच्छे से जो है आ गया है या नहीं आया है। उसके बाद सिस्टम कैटलॉग जो है इंफॉर्मेशन इंक्लूड करता है, जैसे कि डेटा फाइल्स का नाम, टेबल्स का नाम, डेटा आइटम्स मतलब कॉलम्स के नेम, उसके बाद स्टोरेज डिटेल्स ऑफ इच डेटा फाइल मतलब टेबल्स का जो स्टोरेज डिटेल्स है उसकी इंफॉर्मेशन, मैपिंग इंफॉर्मेशन अमंग्स स्कीमा एंड कॉन्स्टेंट्स, और जो भी टेबल क्रिएट करनी है तो उस टेबल का नाम, उसके कॉलम्स के नेम, उसके कॉन्स्टेंट्स वगैरह अगर अप्लाई किए हैं तो उन सब के बीच में जो है सिस्टम कैटलॉग क्या करता है, इंफॉर्मेशन की मैपिंग करके श्योर करता है कि हाँ यूज़र ने डीडीएल स्टेटमेंट में ये टेबल या ये स्कीमा क्रिएट करने के लिए जो है कमांड्स लिखे हैं, और उस हिसाब से फिर वो डीडीएल प्रोसेसर आगे चल करके उसको क्या करता है, बिल्कुल वैसा ही टेबल क्रिएट करके दे देता है। तो जो है ये था डीडीएल प्रोसेसर के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस का मेरा ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस का कॉन्सेप्ट आएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें। तो उसमें बेसिकली हम एसक्यूएल कमांड्स के बारे में जानेंगे कि डीएमएल स्टेटमेंट्स क्या है, डीडीएल स्टेटमेंट्स क्या है, डीसीएल स्टेटमेंट्स क्या है। तो ये जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, और उसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको जो है ओरेकल जो है एसक्यूएल क्वेरी में टेबल्स वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल जो है स्टेटमेंट्स, ये सब क्या होती है जो है वो सारा आइडिया आपको जब हम नेक्स्ट एसक्यूएल जो है एसक्यूएल का मॉड्यूल पढ़ेंगे तो वहाँ पर सारा आपको इसी दूसरे वाले वीडियो लेक्चर से समझ में आएगा। तो जो है आप लोग इसके बाद जो दूसरा वीडियो लेक्चर आएगा उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, उसको ढंग से समझें, ताकि आगे चल करके जब ओरेकल का एसक्यूएल का मॉड्यूल जब आप पढ़ेंगे तो आपको वो मॉड्यूल बहुत अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा। उसका बेस इसके दूसरे वीडियो लेक्चर से ही आपका जो है क्रिएट हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।